हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ थोड़ी नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है बटर मलाई कोफ्ता। ये बटर मलाई कोफ्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हम इसे आलू और पनीर के साथ बनाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, आप इसे किसी भी फेस्टिवल के मौके पर बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर प्याज या लहसुन किसी ऐसी चीज का यूज नहीं करने वाली हूँ। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आलू बटर मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिसे उबालकर छीला हुआ है और आलू को ओवरकुक नहीं किया है। साथ ही मैंने जितने आलू लिए हैं वजन में उतना ही पनीर लिया है। 50 ग्राम काजू आप अपने हिसाब से थोड़े से कम भी कर सकते हैं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 शिमला मिर्च इस तरीके से लंबाई में मोटी मोटी कटी हुई, 2 टेबल स्पून बटर और ये होममेड है, और 2-3 टेबल स्पून गाढ़ा दही, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला और आधा ही टीस्पून काला नमक, 2-3 टेबल स्पून यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर, 10-12 किशमिशें और ज़रूरत के हिसाब से कुकिंग ऑयल। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने आलू लिए हैं इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे, और कद्दूकस ज़्यादा मोटा ना करें, मीडियम साइज़ के। और ये देखिए आलू हमारे कद्दूकस हो चुके हैं, अब हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे, पनीर भी कद्दूकस हो गया है। अब इसके अंदर से हम एक टेबल स्पून पनीर निकाल लेंगे, और ये 8-10 काजू मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं ये इसमें डाल देंगे, जो हमने किशमिश ली थी वो भी डाल देंगे, और टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, और रंग के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका रंग अच्छा हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद आलू और पनीर का ये जो हमने मिक्सचर रखा था इसमें 2 टेबल स्पून भरकर हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और कॉर्नफ्लोर इतना होना चाहिए कि वो मिश्रण हल्का सा सफ़ेद दिखाई देने लगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और सबको एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसको हल्के हाथ से गूंथते हुए हम मिलाते जाएंगे, और देखिए हमारा मिश्रण एकदम से तैयार हो गया है और ये हल्का वाइट दिखाई दे रहा है। अगर कॉर्नफ्लोर कम रह जाता है तो हमारी जो कोफ्ते हैं ये ऑयल में जाकर फट सकते हैं। और जैसे ये सब चीज़ें अच्छे से मिलती हैं हम इसके नींबू के साइज के छोटे छोटे गोले बना लेंगे, और ये हमारा जो पनीर वाला मिक्सचर था जिसे हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे ये भी तैयार हैं, गोले भी तैयार हैं। अब जितने हमारे ये गोले बने हैं गिनती में उतने ही हम इसके पनीर वाले मिश्रण के भी गोले बना लेंगे, बस इस तरीके से। और इसके बाद में हम एक एक गोला लेते जाएंगे, हाथ को हल्का सा चिकना करेंगे और इसे हथेली पर ही फैला लेंगे। इस तरीके से बनाने से कोफ्ते बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और इसे राउंड करते हुए साइडें उठाकर राउंड करते हुए और हम इसका कोफ्ता तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम भरवा पराठे तैयार करते हैं। और देखिए हमारा ये कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से एक और बना लेंगे, एक और गोला लेंगे हथेली पर ही फैलाकर उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण भर देंगे साइडें उठाते हुए और उसको एकदम से राउंड कर लेंगे। ये काम आप एकदम हल्के हाथ से करें, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर का यूज़ ना करें। और देखिए हमारा दूसरा कोफ्ता क्या सारे ही कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक एक कोफ्ता लेते जाएंगे और उसे थोड़े से कॉर्नफ्लोर में हम इस तरीके से राउंड करके रख देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जितने हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं उतने ही हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, टमाटर काट के जो हमने रखे थे वो डाल देंगे, हरी मिर्च अदरक भी डाल देंगे, और जैसे ही ये थोड़े से कुक होते हैं हम इसके अंदर ये नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद में टमाटर जल्दी और अच्छा कुक हो जाता है, और जैसे ही ये थोड़े से कुक होते हैं हम इसके अंदर ये काजू डाल देंगे, और काजू को भी इसमें अच्छा सा पका लेंगे क्योंकि हम इसकी ग्रेवी तैयार करने वाले हैं।
और 2 से 3 मिनट में ही हमारे काजू और मसाला अच्छा भून जाएगा। अब हम इसमें आधा हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम ये धनिया डाल देंगे और आधी लाल मिर्ची डाल देंगे और इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही मसाला अच्छा भून गया है और इसने पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हमारे ये तेल भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें कोफ्ता डालना शुरू करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए आप एकदम तेज़ गर्म ऑयल का ही यूज़ करें, ज़्यादा ठंडे तेल में कोफ्ते फट जाते हैं। और जितने कोफ्ते आसानी से ऑयल में आ सके उतने हम कोफ्ते डिश में डाल देंगे और हल्के हाथ से चलाते हुए हम इसे सेक लेंगे। इन्हें सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम आप हाई रखें, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आप इन्हें सेकें, ज़्यादा लो फ्लेम ना करें। और बस हल्के हाथ से उलटते पलटते हुए हम कोफ्तों को सेकते जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कोफ्ते पे हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से सेक चुके हैं। और अब हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे और हम आगे की सब्जी की तैयारी करेंगे। ये कोफ्ते मैंने बाहर निकाल दिए हैं और सेम पैन में ही हम इसमें जो हमने बटर लिया था वो डाल देंगे और ये थोड़ा सा बटर डालने से ही सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये होममेड बटर है, बटर को मेल्ट होने देंगे और जैसे ही हमारा बटर अच्छे से मेल्ट होता है हमने ये जो शिमला मिर्च ली थी ये सब्जी में इसमें डाल देंगे और शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे जिससे शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बस शिमला मिर्च को इसी तरीके से चलाते हुए हम पकाते जाएंगे। जो दही लिया था अब वो भी डाल देंगे और दही के बाद में सब्जी को अच्छे से चला लेंगे और शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है। इसी समय हम ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और जो हमने मसाला भूनकर और पीसकर तैयार किया था वो भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट तक चला लेंगे। एक टमाटर को मैंने एकदम बारीक काट के तैयार किया है। ये एक छोटा सा टमाटर सब्जी को बहुत अच्छा कलर और टेस्ट देगा और इसको हम 4-5 मिनट तक चलाते जाएंगे। लाल मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला। 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि मसाले ने पूरा ऑयल छोड़ दिया है और उस पर एक अच्छा कलर आ चुका है, यानी हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा घेर सकते हैं। कोफ्तों में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा घेरा है। बाकी ग्रेवी आप अपने मन से थोड़ी सी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं और ढक्कन से 2 मिनट और पका लेंगे। कुल 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम अच्छे से तैयार हुई है। और लास्ट में हम ये काला नमक डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे और कसूरी मेथी को डालने के पहले हाथ से क्रश जरूर कर लें। और देखिए ग्रेवी एकदम बढ़िया तैयार हो गई है, ना ये बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली, बस इसी तरीके की ग्रेवी हमें चाहिए। और बस इस समय हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे जिस समय ग्रेवी उबल रही हो और इसके बाद इसे ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे। और इसे सर्व करने से पहले इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे जिससे सब्जी देखने में ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। और बटर मलाई कोफ्ता की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ही टेस्टी हमारा बटर मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च का यूज़ किया है जिससे सब्जी का टेस्ट एकदम ही डिफरेंट हो जाता है और खाने में ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। लेकिन कोफ्ते बनाते हुए आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लोर आप इतना मिलाएं कि आपने जो मिश्रण बनाया है ये थोड़ा सा वाइट हो जाए जिससे हमारे कोफ्ते फटे नहीं। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।